अध्यात्म जो कल्पना से जुड़ा वाला है उसको थोड़ा और डेप्थ से लेने के लिए मैंने कहा है कि आप जब भी अभ्यास करेंगे तो कल्पना से जाएगा, तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी हम इस कल्पना से जाते हैं उससे हम हमारे अंदर आराम बन रहा है या हम देख के हमको खराब लग रहा है। जैसे आप देखेंगे आपसे कोई कुछ कह रहा है, आपको भीतर जो कल्पना से आप देख रहे हैं, कई बार कुछ कल्पना से आपको देख के आपको अच्छा लगता है और कई कल्पना से ऐसी होती है जिसको देख के आपको खराब लगता है। तो जिसमें अच्छा लगेगा उसमें आप सुखी हो और जो खराब लगेगा उसमें आप दुखी हो। अब हम अपनी कल्पनाशीलता तो देखेंगे लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे कि हम उससे आराम में आ रहे हैं कि परेशान हो। एक बार और प्रयास करें। इस बार कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उसको देखते हुए मैं सुखी हो रही हूँ या दुखी हो। एक बार आप देखते हैं कल्पनाशीलता जो हमने देखा उससे वो सुखी हुए ऐसे होना इसमें से कोई दो लोग अपना भाग शेयर कर सकते हैं तो ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आप शेयर नहीं करना चाहती तो एक हाथ से सुनेंगे और एक दिल लोगों ने हाथ उठाया उनसे सुनेंगे। इसको पहले तो सुनता है पहले आपको फिर आपको फिर सुखी हुए दुखी हुए तक ना सिस्टम में बताएंगे उसको सुखी हुए कि दुखी हुए बोलेंगे। सुखी हुए हूँ ना क्या देखना डॉक्टर बनना क्या देखना मैं डॉक्टर बन गई। क्या क्या देखना आपसे क्या देखना है डॉक्टर बन गई मेरे पास दवा क्या बता देंगे। मेरा नाम काली प्रजापति है। मैंने देखा कि मैं एट क्लास में फर्स्ट आई हूँ इससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम अलीना जी है। मुझे दिखा है कि मैं अपने घर पे टीवी देख रही हूँ। देखते हुए आपको अच्छा लगा खराब लगा? अच्छा लगा। मेरा नाम करीना है। मैंने देखा कि मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं अकेले घर पे हूँ तो उससे मुझे दुख है। जिन लोगों ने कल्पना से इतना देखा और उससे दुखी इनको सुन लेते हैं फिर जिन लोगों ने मेरा नाम कथा सिंह है। मैंने ये देखा कि मैं अपनी नानी के यहाँ गई हूँ, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सुखी हूँ। मेरा नाम दर्शु है। मैंने देखा कि मैं अपनी दादी के घर गई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा
मेरा नाम साची प्रजापति है, मेरी भाभी से लड़ाई हो गई है तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने देखा कि मेरे चाचा चाची और मम्मी पापा बहुत परेशान हैं कि मेरी बड़ी बहन की शादी आ गई है और उनके पास पैसे नहीं है, ये देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा नाम चेतना है, मैं इस बात से दुखी हूँ, मेरे मामा की लड़की की तबीयत खराब है, वो एडमिट है तो मैं नहीं जा पाई। मेरा नाम रंजी पटेल है, मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा और भाई सब लोग घूमने गए तो मुझे नहीं लेकर गए, इसलिए दुखी हुई। मेरी मम्मी गाँव चले गई और मेरे भाई को भी लेके और कोई बताना सारा? और कोई बताना सारा? आपको बता दिया। आप आ रहे हैं? आप नहीं हैं? तो हम लोगों ने दो स्टेप किए। पहला स्टेप कि हम कल्पना से इंतजार देख सकते हैं। दूसरा स्टेप कल्पना से इंतजार में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अगला स्टेप जो भी है कि बहुत सारे कल्पनाशीलता से हम सुखी भी हो रहे हैं और बहुत सारे से दुखी भी हो रहे हैं। अभी तक जो ये मानते थे अपने बारे में कि हमको तो कोई दूसरा सुखी और दुखी करता है, आज एक और बात हम लोगों ने जाना कि दूसरा तो हमको सुखी दुखी करता होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी कल्पनाशीलता भी मुझे सुखी और दुखी करती। दूसरा आदमी हमको सुखी दुखी दोस्त घर भर के लोग कर सकते हैं, सुखी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो कल्पनाशीलता चल रही है वो भी मुझे सुखी और दुखी। जैसे आप देखें आप लंच करते हैं सुखी होते हैं, डिनर करते हैं तो भी सुखी होते हैं, जो मार्केट में जाके पानी पूरी खाते हैं तो भी सुखी होते हैं। लेकिन इस लंच करके डिनर करके पानी पूरी खाते जो सुखी दुखी हो रहे हैं, उसके अलावा हम अपनी कल्पनाशीलता से भी सुखी दुखी हो रहे हैं। बहुत अच्छा लंच मिल गया, बहुत अच्छा डिनर मिल गया, शाम में बहुत अच्छा पानी पूरी भी खा लिया, लेकिन ये बीच में लंच और ब्रेकफास्ट ये जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में 3 घंटा है, लंच और शाम के पानी पूरी खाने के बीच में 3 घंटा, पानी पूरी खाने के और डिनर के बीच में 2-3 घंटा, ये जो गैप है लंच किया ब्रेकफास्ट किया डिनर किया नाश्ता किया ये सब के तो सुखी दुखी हुए, लेकिन ये जो गैप है लंच और ब्रेकफास्ट का लंच और डिनर का, इस गैप में इस दौरान अगर हमारी कल्पनाशीलता पे कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हम किसानी में जा रहे हैं तो हम चाहे कितना अच्छा भी लंच किए हो, लेकिन अगर कल्पनाशीलता में डिसहार्मनी हो रही है तो उससे हम सुखी होते हैं दुखी होते हैं। हमारी कल्पनाशीलता भी हमको सुखी और दुखी करती है। तो हमको सुखी होने के लिए अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, ये तो हमको है, लेकिन हमारी कल्पनाशीलता भी ऐसी चले जिससे हम सुखी बने रहे, ये भी जरूरी है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगता, सर भारी हो रहा है, आप ध्यान देंगे तो उस समय कल्पनाशीलता में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आपको डिसहार्मनी में लिया, सबसे मिले सबका हाल चाल सबको नमस्ते करें, उस
आपका चिंतन कुछ ऐसा कर रहा होता है जो आपको सही की कार्य है, इस कारण आप अपने में आराम महसूस करते हैं, हार्मनी महसूस करते हैं, उस दिन आप सबके साथ खुल खुल के बात करते हैं, कोई दुखी है तो उसका सहयोग भी करते हैं। ये दोनों स्थिति आप अपने में देखे होंगे, उसका कारण भी आप समझ जा रहा होगा। अगर कोई ऐसी कल्पनाशीलता चल रही है तो आपको सहज स्वीकार नहीं है, तो हम छुट्टी महसूस नहीं करते, बल्कि दुखी महसूस करते हैं। हमारा घर डाउन रहता है, मन खराब रहता है, कुछ अच्छा नहीं रहता, और कुछ ऐसा चल रहा है हमारी कल्पनाशीलता में जो हमको सहज स्वीकार है, दूसरा काम उससे सुखी हो रहे थी। अब तीसरा काम जो करना है वो ये करना है कि ये देखना है कि जो कल्पनाशीलता से सुखी हो रहे हैं क्या वो हमको सहज स्वीकार है, इसलिए सुखी हो रहे हैं। और ये भी देखना है कि जिस कल्पना से हम दुखी हो रहे हैं क्या वो हमको सहज स्वीकार नहीं है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। साथ साथ इसको जब देखेंगे तब पता लगेगा इस बात का, एक प्रयोग होगा जो प्रैक्टिकल करते हैं ना आप लोग, तो एक प्रैक्टिकल होगा कि वो कल्पनाशीलता जो हमको सहज स्वीकार नहीं होती जब हम वैसा चलाते हैं तो हम दुखी होते हैं, और वो कल्पनाशीलता जो हमको सहज स्वीकार होती है जब हम वैसा चलाते हैं तो हम ये अभ्यास को है ना, हम लोग जब अगली बात करेंगे तो ये बात समझ में आ रही। दूसरी बात पर बात क्या है तो कल आएगी कि अगर आपकी कल्पनाशीलता, आप क्लास में बैठे हैं और कल्पनाशीलता में टेक ऑफ करके कहीं और चले गए, 5 मिनट बाद क्लास में लौटे तो 5 मिनट क्लास में क्या हुआ आपको कुछ पता नहीं, और ऐसा 1 घंटे की क्लास में 5 बार कर दिया आपने, तो 20-25 मिनट तो आप होते रहे कल्पनाशीलता क्लास में तो पकड़ भी नहीं आता। तो इसको थोड़ा ध्यान देना आज से शुरू करेंगे कि क्लास में जब चर्चा हो रही है तो कितने समय आपकी कल्पनाशीलता क्लास में रहती है और कितनी बार उठ जाती है, मतलब ध्यान देंगे। जैसे दिखा कि इस बार उठी तो कॉपी के पीछे कहीं पर एक लाइन खींच लेंगे, एक बार उठी तो थोड़ी देर बाद दूसरी बार उठे तो 2 बार है ना। मैं जब पहली बार ही वर्कशॉप कर रहा था हैदराबाद गया था, वहाँ ही वर्कशॉप कर रहा था 1 घंटा वर्कशॉप, तो जैसे आज तीसरे दिन कल्पनाशीलता पे बात हो रही है वहाँ भी तीसरे दिन हुआ, तो मैंने उनसे तय किया कि मैं पूरे दिन भर ये ध्यान दूंगा कि हर क्लास में मैं कितनी बार मेरी कल्पनाशीलता डेवलप हो रही है। तो जब भी मेरी कल्पनाशीलता कहीं जाती थी मैं डायरी के पीछे लिख लेता था, गैस लगाया वन कहाँ गई तो फिर से चली गई, कहाँ गई बाकी बगल से भी चली गई थी, तो ये जो 34 टाइम्स मैंने पकड़ा था, अगली बार जब मैंने काउंट किया तो 60 बार से अधिक पकड़ा था, 61 या 62 इतनी बार था, और उसके अगले सेशन में जब बैठा अगले दिन तब जब काउंट किया तो 67 बार है, तो हमको लगा ये तो रुकने लग, ये कल्पना से इतना पास में रुकने की जगह ज्यादा बाहर भागने लगे तो ये अभ्यास तो उल्टा होगा, लेकिन उसमें हुआ क्या आपके समझ में आया कि पहली बार मैंने 34 बार पकड़ा वो वास्तव में कुछ ही पकड़ पाया, बहुत सारा तो पकड़ ही नहीं पाया, कल्पनाशीलता हो गई, मैं लौट भी आ गया मुझे पता ही नहीं था वो कहां पहुंच गया है। और जैसे जैसे ध्यान देने गए वैसे वैसे हम ज्यादा कल्पनाशीलता से टेक ऑफ को पकड़ एक तो ये निष्कर्ष, दूसरा तो निष्कर्ष था वो महत्वपूर्ण ये ध्यान में आया पहले एक बार कल्पनाशीलता में टेक ऑफ करके बाहर गए 5 मिनट 10 मिनट बाद अब टेक ऑफ करके बाहर तो गए लेकिन 5-10 मिनट नहीं 1 या 2 मिनट में लौट गया, तो बाहर भटकने वाला समय घटा कि बढ़ा, तो भले संख्या बढ़ गई बार बार टेक ऑफ की लेकिन क्लास में रहने का समय भी बढ़ गया। कुछ दिन जब बीत गया 5वां 6वां दिन जब आया तो दो घंटा घटने क्या कई बार ऐसा हो रहा था कि जब मैं टेक ऑफ कर रहा था
तभी आ जाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा भी यहाँ है तो टेक ऑफ से पहले ही जाकर फिर धीरे धीरे टेक ऑफ की संख्या भी कम तो अपना जो क्लास में बैठने का ध्यान देने का समय था वो बढ़े ये अभ्यास को पता है खुद में करके वहां पहले ही अभ्यास पहला वर्कशॉप रहा होगा कुल्ले वाला वो मैंने उसमें देखा और हमको बहुत महत्वपूर्ण है इसमें हमको अपनी पढ़ाई में और अपने अन्य चीजों को बहुत जुड़ना किया जा सकता है आप लोग ध्यान में लगा आप लोग कौन से राष्ट्रपति का नाम सबसे ज्यादा याद आता है किसी राष्ट्रपति का नाम अपने देश के किसी राष्ट्रपति का नाम बताएं जो आपको याद आता है और गांधी जी और राष्ट्रपति एक अपने एक राष्ट्रपति में की ना एक राष्ट्रपति में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम से जैसे भी आपको मैं वर्कशॉप चल रहा है ये पूरा विषय उन्होंने 2006 में जब राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति भवन में बैठकर सुना जब सुना उन्होंने तो एक प्रश्न पूछा कि अभी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो रोज क्लास में 5 घंटे 6 घंटे लगाते हैं अगर पूरी जिंदगी का समय कैलकुलेट किया जाए हिसाब लगाया जाए कि कितना घंटा लगाते हैं तो 25,000 घंटे एक बच्चा अपनी जिंदगी में पढ़ाई के लगा 20 साल पढ़ता है 20 साल पढ़ रहा है 20 साल की पढ़ाई में कितने हजार घंटे लगा रहा है 25,000 तो हमने पूछा कि ये पढ़ाई और शुरू करेंगे तो ये घंटे कम कितने और बढ़ जाए ये पढ़ाई और शुरू करेंगे तो घंटा कुछ बढ़ेगा ना तो जो उनके साथ इस बात को चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये जो कल्पनाशीलता देखने वाला अभ्यास अगर शिक्षकों ने ठीक से कर लिया और ठीक से कल्पनाशीलता का प्रयोग करके अपने को ना स्थिर कर लिया और बच्चों को भी ठीक से इस प्रयोग को करा दो तो अभी जो बात समझने में आपको दो चार बार प्रयास करना पड़ता है दो बार में समझ में आने लगी अभी आपको किताब पढ़ते हो तो एक पैराग्राफ पढ़ते हो दूसरी लाइन तक जाते हो तब तक आगे अगली लाइन पे जाते हो कल्पनाशीलता कहीं और चली जाती है तो पैराग्राफ समझ में नहीं आता फिर थोड़ी देर बाद जब आपकी कल्पनाशीलता लौट के आती है तो उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हो तो एक ही पैराग्राफ को 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ते हो तो बात समझ में आता है अगर कल्पनाशीलता का टेक ऑफ ही कम हो जाए तो 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ या 1 या 2 बार में आ सकता है तो समय बढ़ेगा कि घटेगा 4 बार पढ़ने में जो समझ में आ रहा है 2 ही बार पढ़ने में समझ में आने लगे तो पढ़ाई में लगा हुआ लगाने का जो समय हमारा मंजूरी मिल रही है वो बढ़ेगा कि घटेगा 4 बार पढ़ के समझे 2 ही बार पढ़ के समझे तो समय घटेगा ना नहीं घटेगा तो समय हमारा पढ़ाई में घटेगा यानी कम समय लगा के ज्यादा हम क्या कर पाएंगे अरे पन्ना पढ़ने में हमको 1 घंटा लग रहा है टेक ऑफ होने के बाद बार अगर टेक ऑफ कम हो जाएगा तो हो सकता है आधे घंटे में समझ गया तो उन्होंने कहा कि ये जो 20-25 घंटे पर बच्चे अपनी जिंदगी के लगा रहे हैं अगर कल्पनाशीलता वाला अभ्यास बच्चे ठीक से करके अपने को स्थिर कर पाए तो 25,000 घंटे 25,000 से घटे कितने रह जाएंगे कम हो जाए क्या लगता है आप लोग अगर इस अभ्यास को कर पाएंगे पढ़ाई में जितना समय लगा रहे हैं उतने समय में ज्यादा पढ़ पाएंगे या यूं कहें कि कम समय में उतना ही पढ़ लेंगे या फिर कम समय में लगाएंगे तो जितना अभी पढ़ रहे हैं उतना तो पढ़ लेंगे कम से कम और पढ़ाई में जो समझ में आने वाला भाग है वो कम समझ में आएगा ज्यादा समझ में आएगा इस अभ्यास को किया जा सकता है एक बात दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी कल्पनाशीलता में चल रहा है इसको मारेंगे इसको डांटेंगे उसका अपमान करेंगे ये करेंगे और अचानक से कोई छोटा भाई आता है तो क्या होता है अंदर जो चल रहा है जिसके कारण आप परेशान है वो रुका रहता है कि बाहर निकल जाता है कहीं और से कल्पनाशीलता में परेशान होके आ रहे हैं और भाई को डांट देते हैं मम्मी को कुछ उल्टा बोल देते हैं है ना तो ये जो आपकी कल्पनाशीलता में चल रहा है इस कल्पनाशीलता का प्रभाव कहां पड़ता है आपके व्यवहार में और इसी कल्पनाशीलता का प्रभाव पड़ता है आपके कार्य इस कल्पनाशीलता से सुखी और दुखी तो हो ही गए लेकिन यहां जो चल रहा है इससे आपका व्यवहार भी अच्छा और खराब होता है
अच्छा चल रहा है तो अच्छा होगा, खराब चल रहा है तो खराब। तीसरी बात, दूसरी बात को बात कल्पना मिलता है कि हमारा व्यवहार और कार्य भी कल्पना चिंता से प्रभावित होता है। हमारा व्यवहार और कार्य भी कल्पना चिंता से प्रभावित होता है। अगर कल्पना चिंता में हार्मोनियस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो व्यवहार हमारा अच्छा होगा। कल्पना चिंता में डिसहार्मोनी चल रही है, परेशान है, तो व्यवहार से भी परेशानी कार्य करती है। तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे कल्पना चिंता के निकलने वाले व्यवहार से प्रभावित होते हैं। हमारी कल्पना से बात चल रही है तो व्यवहार भी अच्छा हो रहा है, उससे सामने वाले लोग सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। और कल्पना में जो बेचैनी चल रही है, बेचैनी हो रही है, अब जो व्यवहार निकला उससे सामने वाले लोग सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। तो हमारी कल्पना चिंता से हम तो सुखी दुखी होते ही है, लेकिन जो व्यवहार में निकलता है तो सामने वाले लोग भी सुखी दुखी होते हैं। आप जैसे किसी के बारे में कहते हैं ना कि आपको बहुत अच्छा, जैसे मैंने पूछ रहा था इतने सारे लोगों में से आप किसी एक दो लोग के साथ भी रहना है, क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मान रखा है कि इन सब में ये सबसे अच्छा है। कैसे मान रखा है? क्योंकि उसके व्यवहार से आप कम दुखी होते हैं, और जिसके व्यवहार से अधिक दुखी होते हैं उसको अच्छा आदमी मानते हैं, खराब आदमी मानते हैं। आपके व्यवहार से इतनी ज्यादा दुखी हो रहा है तो आपके बारे अच्छा मानते हैं, खराब मानते हैं। आपको लगता है कि आप उसके साथ जो खराब व्यवहार कर रहे हैं उसका कारण वो है, जबकि कारण क्या है? आपकी कल्पना से। अगर कल्पना से उत्तर ठीक चल रही तो व्यवहार ठीक चलेगा, उससे वो बार बार सुखी होगा, फिर आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकार पा। तो उस कई क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं, उस बच्चे के साथ सभी बच्चों की दोस्ती अच्छी है, हर बच्चा उससे अपनी बात कह पाता है, उससे सहयोग ले पाता है, सहयोग कर पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक दो के साथ तो ठीक चलती है, बाकी के साथ बुरी होती है। आप क्या चाहते हैं? सभी के साथ ठीक चले कि एक ही दो के साथ ठीक चले? सभी के साथ ठीक चले। इसलिए काम कहाँ करना पड़ेगा? कल्पना चिंता। अगर हमारी कल्पना चिंता ठीक हो पाता है तो व्यवहार ठीक हो पाता है, व्यवहार से हमारा सबके साथ संबंध भी ठीक होगा। कल्पना चिंता के संदर्भ में तीन बातें जरूरी। पहली बात ये कि अगर कल्पना चिंता के टेक ऑफ को अगर हम ठीक से ध्यान देंगे, उस पर कुछ काम कर पाए तो पढ़ाई में भी हम अच्छा कर पाए। ये बात खाली मानने वाली है कि संभावना लगती है? संभावना लगती है। दूसरी बात, अगर कल्पना चिंता में हार्मोनी चल रहा है तो हम सुखी होते हैं, डिसहार्मोनी चलता है तो हम। तीसरी बात, वही कल्पना चिंता में जो हार्मोनी डिसहार्मोनी चल रहा है हमारे व्यवहार में भी, उससे सामने वाला भी सुखी दुखी होता है। अगर बार बार वो उससे दुखी हो रहा है तो हमसे दूर बना, चाहे वो हमको अच्छा आदमी नहीं लगता, खराब आदमी। तो अगर सबके बीच स्वीकृति भी हमारी बढ़नी है ना, ठीक होनी है, तो उसके लिए भी क्या ठीक होना पड़ेगा? हमारी कल्पना चिंता। अब अगर ये जो कल्पना चिंता में चल रहा है, ये जो कल्पना चिंता में चल रहा है आपके, वो आता कहाँ से? जैसे किसी की कल्पना चिंता में चल रहा है सोना भरोसा खाएंगे, किसी की कल्पना चिंता में चल रहा है पानी चोरी खाएंगे, किसी की कल्पना चिंता में चल रहा है कि खेलेंगे, ये कल्पना चिंता में जो चलता है वो आता कहाँ से? तो कहाँ से आता है? उसको देखेंगे तो तीन चीजें, एक कारण है, तीन जगहों से आता है। मैं लेता हूँ, एक तो आता है संवेदना, संवेदना अर्थात आंख से कुछ आपने देखा, नाक से कुछ सुना, कान से कुछ सुना, त्वचा से कुछ छुआ, जीभ से कुछ स्वाद ली,
से कुछ सुनते हैं, नाक से कुछ सुनते हैं, जीभ से कुछ काट लेते हैं, तो संवेदना इसको मिला के क्या नाम दिया? संवेदना। इससे जो भी सूचनाएं आती हैं हमको उसी को कहा संवेदना। बाकी चीजों से जो सूचनाएं हमारे भीतर आती हैं उसी को क्या कहा? संवेदना। संवेदना अब ध्यान देंगे आप लोग, लिख लेंगे फिर हम लोग जब तक आपका हवाई जहाज लैंड ना कर जाए। और त्वचा और जीभ, इन सबको मिला के कहा संवेदना। हमारी कल्पना शिल्पा में जो चल रहा है वो कहाँ से आता है? तो एक तो जगह है जिन जगहों से आता है, जैसे आप गए कॉफी खरीदने दुकान पे, कॉफी खरीदने जा रहे हैं तब तक नाक में समोसे की गंध आ रही है, तो समोसे की दुकान तो दूर है, कल्पनाशीलता में समोसे दिखने लगते हैं और मुंह में पानी भी आने लगता है। तो ये समोसा का जो कल्पनाशीलता में चला तो कहाँ से आया? संवेदना। हमारी कल्पनाशीलता में वो कहाँ से आया? संवेदना। उसमें भी की आप जा रहे थे क्या कहते हैं मार्केट कपड़े, न्यू मार्केट से गुजरे, पानीपुरी की बहुत सारी दुकानें दिखने लग गई, किससे दिखी? खरीदने गए थे कपड़ा और जिद करने लगे तो अब तो पानीपुरी खाएंगे। अरे जो कल्पना शिल्पा में पानीपुरी खाने का चलने लगा वो कहाँ से आया? संवेदना। समझ आ रहा? ऐसी चलता है। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं और उसमें वो आगे लगा ऐड आता है ना बीच बीच में, प्रचार आते हैं आ गया कि ये चॉकलेट खाओ इतना स्वादिष्ट है, मजा आ जाता है, तो देखते रहते हैं सीरियल। चलने क्या लगा? चॉकलेट। कहाँ से आया वो चॉकलेट? संवेदना से, जो टीवी हम देख रहे हैं। ये बात समझ आ रही है कि तो कल्पना शीलता में कहीं की कहां से हो रही? संवेदना। दूसरा है बाध्यता। बाध्यता आपने आप किसी शादी में गए, आपने देखा कि कोई एक खास कलर का खास डिजाइनिंग वाला कपड़ा पहन गया है, तो कई सारे बच्चे कई सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। आपको लगा कि हमको शादी में जाना है, हम भी चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ देखें, तो आपकी इच्छा आगे कल्पना से लिखा में कि हम भी वैसा ही कपड़ा, आपको वैसा कपड़ा खरीदने की इच्छा कहाँ से आई? मान्यता। कल्पना से लिखा में वैसा कपड़ा खरीदने की जो आगे आप कहाँ से आ गए? मान्यता। क्या मान्यता? कि उस तरह का कपड़ा पहनेंगे तो लोग हमारी तरफ देखेंगे। ऐसे देखेंगे तो कई सारी और चीजें भी आपको मान्यता से मिलती है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप जूते खरीदते हैं तो दो तीन जूते तो आपके पास रहते ही हैं कई बार, फिर भी आप देखते हैं कि कोई नए डिजाइन का जूता आ गया है,
जिसको टीवी में दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ऐसा जूता जो बच्चे पहन कर खेलते हैं वो एकदम फर्स्ट आ जाते हैं, ये जूता पहन के दौड़े एकदम फर्स्ट आ जाते हैं, दिखाते हैं टीवी के आए और आप तो बना के हमको भी रेस में दौड़ना है और दौड़ना तो है ही लेकिन फर्स्ट भी आना है ना। तो अब आपको मान्यता बन गई कि ये जूता पहन के दौड़ेंगे तो फर्स्ट आएंगे, तो वैसा जूता खरीदने का कल्पना सुल्तान में आने लगा। ये कहाँ से आया? मान्यता। थोड़ा आपने देखा कोई किसी कॉलेज के फंक्शन में या किसी शादी में कोई तो बड़ी कार से उठा, तो जब बड़ी कार से उठा तो बहुत सारे लोग उसको रिसीव करने गए, आगे पीछे घूमने लगे, तब आपके भीतर की कल्पना सुल्तान में चलने लगा लेकिन आपकी इच्छा आगे तो पहले पिंक कलर की कार खरीदूंगी जब नौकरी लग जाएगी। अब ये तो पिंक कलर देख के कार खरीदने की इच्छा है, ये मान्यता से आई कि संवेदना से? ये कार बड़ी है इससे सम्मान होगा इसलिए खरीदेंगे, ये कहाँ से आ रही है? मान्यता। समझ में आ रहा है? तो ये देखो तो पहला स्रोत तो आपका जो है अभी लिखने का हिसाब करेंगे, एक तो स्रोत है कल्पना शीलता में चीजों का आने का कारण है संवेदना, लिखने का बात करेंगे, दूसरा कौन सा है? मान्यता। एक तीसरा भी है, तीसरी जगह भी कल्पना शीलता में आता है जिसको कहा गया है सहज स्वीकृति। सहज स्वीकृति से भी कल्पना शीलता में आता है, मैं बताता हूं। जैसे आपने देखा कितने प्रकार का बात है, मैं निकाल मैं समझ देता हूँ क्या क्या ठंडी गर्मी बरसात में घर के लोग जाते हैं, गिर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, मैं गरीब होंगी तो कुछ कार खरीदूंगी जैसे घर के लोगों को सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सके, परिवार को सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो कहाँ से आया? ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारी इच्छाएं आपको होती है आपकी कल्पना से निकल तो कहाँ से आती है? मान्यता से। बहुत सारी कहाँ से आती है? संवेदना। बहुत सारी कहाँ से आती है? सहज से। अगर संवेदना से कोई कल्पना शीलता में आ रहा है तो कल्पना शीलता में एक इस तरह की स्थिति बन जाती है जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, ऐसी जैसे आपको लगा कि समोसा खा लेते हैं लेकिन जैसे ही समोसा खाने लगते हैं तब तक पानी पूरी दिख जाता है कल्पना से निकाल, पानी पूरी खाने लगे तब तक कल्पना से निकाल में ड्रेस दिख जाता है, ड्रेस के लिए दौड़ने लगे तब तक कल्पना से निकाल में कुछ और दिख जाता है, तो आइसक्रीम भी दिख जाता है, तो कल्पना से निकाल की स्थिति कैसी हो जाती है? एकदम ऐसा। तो अगर इसके आधार पर अच्छा बड़ी गाड़ी आपकी बड़ी गाड़ी से सम्मान के लिए सोचा तो जैसे बड़ी गाड़ी खरीदने का सोचते हैं कोई दूसरा उससे बड़ी गाड़ी से उतर आए तब आपकी घर बढ़ने का बदल जाती है, अच्छा जैसे ही वो लेके आया तब तक आपका पड़ोसी उससे बड़ा ले आया फिर बदल जाती है, इसमें कोई निश्चितता है? बदलता रहता है। लेकिन अगर आपने गाड़ी इसलिए सोची है कि ऐसे लोगों को सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सके, अब पड़ोसी कितना भी बड़ा काम ले आया आपको फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित ले जा पा रहे हो ना पा रहे। आपने लाल कलर की कार देखी थी, पड़ोसी को सफेद कलर की कार ले आया और लोग तारीफ करने लगे तो आपको लगता कहाँ फंस गए, सफेद कलर वाला ही ले लिए और चलो बेचो दूसरा लो, तो कल्पना शीलता में सिलता रहा कि बिगड़ गया? बिगड़ गया। अगर सफेद
लेकिन संस्कृति से लिया है तो काटा के रह चीज जाल है। अगर हमारे परिवार के लोगों को सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है तो हम तो लाल कलर की सिंह कलर की कालीन ले लीजिए, सिंपल सिंपल का पड़ोसी सफेद ले रहा है, हरा ले रहा है, नीला ले रहा है, जो कुछ भी उसको कहते रहे, हम तो जिस पर्पज से कार खरीदे तो वो हमारा, जब कार खराब हो जाएगी चलने लायक नहीं रहेगी उसको कुछ नहीं, लेकिन अब दूसरे की कार हो तब नहीं। लेखने का नाम पा कुछ बातें और संवेदन, जैसे जो संवेदना से आ रहा है, जो संवेदना से आ रहा है, टीवी वाले ने कुछ दिखाया और आपने वैसा खरीदने का मन किया, ये आपके मन का हो रहा है कि टीवी वालों के मन का? टीवी वालों का। इसको क्या कहें, स्वतंत्रता की स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ये क्या है, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, भले आप टीवी वाले का बेच के कुछ खरीदने की जिद कर रहे हैं लेकिन आपके मन का नहीं हो रहा है, किसके मन का हो रहा है? ऐसे टीवी में कुछ कार्यक्रम आपने देखा और आपकी मान्यता बन गई और आप ऐसा खरीदने का जिद कर रहे हैं, अभी भी आपके मान्यता का हो रहा है कि आपके मन का हो रहा है कि टीवी वालों के मन का? स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मतलब दूसरे पर निर्भरता, हमारे लिए कोई दूसरा तय कर रहा है। और अगर आप अपनी शहर की नीति से कर रहे हैं तो प्रतंत्रता की स्वतंत्रता, और आप प्रतंत्र होना नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं? तो कल्पना शिल्पा अगर शहर स्वीकृति के आधार पर चल रही है तो आप प्रतंत्र हैं, और अगर मान्यता या संवेदना के आधार पर चल रहा है तो एक तो हमारे सर हैं जिन्होंने हमको इंजीनियरिंग में पढ़ाया और ये विषय भी पढ़ाया, घरों में माँ बाप और बच्चे में एक उम्र के बाद कई बार बातचीत बंद हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, वो गए तो वहां भी यही स्थिति थी, उनके बेटे में और पिताजी में झगड़ा हो गया था, बात ही नहीं हो रहा, तो जब पहुंचे तो उनके मित्र ने कहा कि देखो मेरा बेटा 10-12 दिन से बात नहीं कर रहा है, आप जरा उसे समझाओ क्या समस्या है, बात तो करें, तो गए उनके बेटे के पास समझाने गए और बातचीत होने लगा तो जैसे उस बेटे को समझ में आया कि पिताजी ने इनको लगता फिर से समझाने भेजा, क्योंकि इन्हीं को भेजा होगा पहले ऐसा कहा कि कई लोग और भेजा होगा, तो उनके बेटे को जैसे ही लगा ना कि इन्होंने अपने बहन को अपने दोस्त को मेरे को फिर से समझाने भेज दिया, बेटे को जैसे ही लगा ना उतनी देर तक तो आगे सामने बात कर रहा, लेकिन जैसे ही लगा कि उन्होंने समझाने भेज दिया है तो उस बच्चे ने अपनी कुर्सी एकदम उल्टी घुमा ली, दूसरी तरफ की उनकी तरफ कर दी, नाराजगी है गुस्से में, क्या नाराजगी थी, जो घर में आता है इनका दोस्त सबको भेज देते मेरे को समझाने, तो नाराजगी कम होगी कि बहुत ज्यादा होगी, समझ में आया हमारे सर से नाराजगी तो लगता है बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो लगता है कि चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो कोई भी हर एक को स्वतंत्रता से जीने का अवसर, ये बात ठीक है कि गलत है? ठीक है। बच्चे को लगा कि बात कुछ कर रहे हैं तो उसने तुरंत अपनी कुर्सी वापस घुमा ली, बोला यह सब है, यही तो मैं भी कह रहा कि मेरे को भी इस घर में थोड़ी स्वतंत्रता से जीने का अवसर है, लेकिन मेरे पिताजी हैं कि कोई ना कोई चीज करने के लिए मेरे पे दबाव डालते रहते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ करने नहीं देते, और जो घर पे आता है मेरे को समझाने भेज देते, आप जाके उनको समझाइए कि वो मुझे स्वतंत्रता से रहने दे, आप समझा ली? यस सर। तो मैंने काम करके सीखे, ठीक है वो तो मेरा दोस्त है मैं जाके समझाऊंगा, लेकिन पहले आपसे समझ लेता हूँ उनके लड़के से कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आप
तो सब करने को मिलेंगे, स्वतंत्र क्या? तो गणेश जी ने कहा तो ठीक है, जो मन में आ रहा है वो करने को मिलेगी स्वतंत्रता, लेकिन जो मन में आ रहा है वो कहां से आ रहा है? आपके मन में आ रहा है वो कहां से आ रहा है? अगर टीवी देख के आ रहा है तो ये आपके मन की हो रही है कि टीवी वालों के मन? टीवी वालों की मन की। अखबार एड देखकर, बाजार में कुछ होर्डिंग देखकर खरीदने का इच्छा आ रहा है, लेने का तनाव आ रहा है, तो ये आपके मन का तो आ रहा है, दूसरों के मन का आ रहा है, लेकिन दूसरे के मन का करने को आप मजबूर हो रहे हैं, ये स्वतंत्रता है कि प्रतंत्रता? हम अनजाने में प्रतंत्रता को क्या मान लेते हैं? स्वतंत्रता। और अपनी जिद मनाने के लिए ठीक है, हम जांच रहे हैं कि वो हमको सहज स्वीकार है या नहीं, सहज स्वीकार है बात कर रहे। अभी हम हमारे टीवी या अपने या दोस्तों से कुछ आ गया, हम करने की जिद पकड़ लेंगे, स्वीकृति से जाते नहीं, कई बार नहीं जाते, एक बार जांच लेंगे तो 10 चीजें आएंगी, उसमें से 4 से ठीक नहीं लगेगी, तो 4 ठीक लगेगी, और जो सहज स्वीकार होती है उसको घर वालों को समझा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनकी सहज स्वीकृति भी नहीं, उनकी सहज स्वीकृति भी वही होती है, तो उनको भी समझा पाते। अभी क्या हो रहा है कि हम मनमानी को स्वतंत्रता मनमानी मतलब मन पर कहीं से कुछ आकर बैठ गया हो, वैसे हमने तो इतनी सारी जगहों से आके बैठ गया, सब करने लग जाए तो आदमी जो एकदम हालत खराब हो, तो मन पर टीवी से आके बैठ गया, टीवी में आप देखते हैं 15 मिनट प्रोग्राम देखते देखते और 15 मिनट ऐड आते हैं, और ऐड वाले क्या बताते हैं आपके पास, आपके घर में जो आ गया वो सब खराब, दुकान में जब तक था तब तक अच्छा था, जो चीजें घर में आ गई वो आप कैसे उन्हें बेकार। तो अगर ये बात ध्यान में आ जाती है तो हम टीवी से मन जो प्रभावित हो रहा है करने का, ये सब करने का, सीधे सीधे करने लग जाएंगे कि पहले उसको जाके सहज स्वीकार हो रहा है, उसको बात हो सकती है, किया जा सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक जिया जा सकता, छोटी छोटी चीजें आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग ना जो पजामा होता है एक समय इतना चौड़ा कर लेते हैं कि उसमें आदमी घुस जाए, एक समय उसको इतना पतला कर लेते हैं कि अपना ही पैर में घुस जाए, आप पतला वाले का फैशन चल रहा है, आप चौड़ा वाला पहन लीजिए तो लगता है आप फंस गए, चौड़े वाले का फैशन चल रहा है, पतला वाला पहन लीजिए तो लोग कहते हैं कितना पिछड़ा, बदला क्या उसको, बदला तो सिर्फ क्या जबकि वो दोनों ही कपड़े आपके शरीर की सुरक्षा है, आप लेकिन तो सहज स्वीकृति से देखने जाएंगे तो दोनों पहन सकते हैं, ये भी है तो भी वो भी है, लेकिन अगर मान्यता से देखने जाएंगे बिना जाते तो पतला वाला लोग पहने और हमने चौड़ा वाला पहन लिया तो खराब लगने लगता है, लोग चौड़ा वाला पहने हमने पतला वाला पहन लिया तो कम से कम ठीक से जांच लिया तो हम उससे बच जाए, ऐसी कल जो बात करें मान्यताओं में तो लोगों को इतना उठाव है स्थिति में कि लोग फटे हुए कपड़ा पहन करके भी बाजार में चलने को तैयार, बाजार से खरीद के लाएंगे 2000 के जीन्स और पहनने से पहले उसको फाड़ेंगे फिर पहन के घूमेंगे, देखा आप लोगों ने क्या बदल जाएगा, नहीं देखा जीन्स लाएंगे 2500 की 3000 की फाड़ेंगे फिर पहन, अभी देखा होगा आप लोगों ने जो कल बात कर रहे थे हम कि मान्यता के कारण आदमी मुर्गे जैसा बाल रखने को भी कितनी चीजें आप स्वीकृति के आधार पर तय कर रहे हैं, कितनी चीजें कितनी चीजें जबकि आप चाहते क्या है, क्या क्या कर चाहिए किससे तय हो, ये वाला बेकार होते हैं ऐसा नहीं, बल्कि एक बार ये ठीक हो जाएगा तो हम इनका सदुपयोग कर सकते, कैसे के लिए आप शरीर का पोषण करना सहज स्वीकार है आपको कि शोषण करना सहज पोषण पोषण तो जो स्वाद है जैसे जीव से क्या मिलता है स्वाद, हम ऐसे चीजों को चुना चुन सकते हैं जिससे हमको स्वाद भी मिलता रहे जैसा हम चाहते हैं और शरीर का पोषण भी मिलता है,
कर सकते हैं ना। और जब तक के सहज स्मृति वालों का ध्यान नहीं है तब तक जो स्वाद में अच्छा लग रहा वही चुनते हैं, भले शरीर खराब हो जाए उसका आपको होश नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे ना बाजार में बहुत सारी चीजें ऐसी भी बिकती हैं जिसके लिखा रहता है कि ये खाएंगे तो शरीर आपका बीमार है, लिखा रहता है टीवी में भी आ जाता है, इसका लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लिख के आता है, ये भी लिखा रहता है क्रेजी में इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, लेकिन फिर भी घर में लोग खाते रहते हैं। जो खाते हैं तो ठीक है, खाते पीते हैं, कई लोग जो नहीं खाते पीते हैं उनको देख के प्रभावित होते रहते हैं। अगर ठीक से हमने देख लिया तो हमको स्पष्ट होता है क्या क्या स्पष्ट होता है कि जो चीज हमारे शरीर के स्वास्थ्य पोषण के अर्थ में है और स्वादिष्ट भी है वो हम खाने के लिए चुनेंगे, तो ये संवेदना हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं है बल्कि हमारी सहज स्मृति को पूरा करने में सहयोग हो सकता है ना। लेकिन जब ये इतने ध्यान नहीं रहेगा तो ये हमारे शरीर के लिए सहयोगी हो रहा है कि समस्या खड़ा कर रहा है पता नहीं चल। इतनी बात स्वयं के बारे में करना, इस पर किसी का कोई प्रश्न है तो कहिए। अगर एक दो लोग एक एक लाइन में बता रहे हैं कल्पनाशीलता के बारे में जो बात समझ में आ रही है, अगर कोई लोग एक लाइन में बताना चाहे तो उनको बताना है, जितनी चर्चा हम लोगों ने की उसमें जो बात समझ में आई उसको अगर एक दो लाइन में बताना चाहे तो कौन लोग बताना चाहेंगे सोच लें। जो भी चर्चा आ रही है उसमें क्या समझ में आ रहा इसको अगर एक दो लाइन में कोई बताना चाहे तो कौन लोग बताएंगे। क्या ठीक लगा अगर ये बताना हो तो कौन लोग बताएंगे। इसमें क्या ठीक लगा आपको कोई लोग बताएंगे या इसका क्या उपयोग हो सकता है आपके जीवन में, किस काम आ सकता है ये सारा आंसर ट्राई कर दो लोग ट्राई कर आप बताओ ना काजल बताएं काजल ट्राई करेंगे आज भी कोई ट्राई करेगा वो ट्राई करेंगे सोचो कल्पनाशीलता पे हमें काबू पाना चाहिए जिससे उसका उपयोग हम पढ़ाई करने में लगा सकते हैं, जिससे हम थोड़े समय में अधिक प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान, और हमें सहज स्मृति से कल्पना करनी चाहिए। तो एक तो काबू करने की जगह कल्पनाशीलता को समझ लेना, काबू नहीं करना बल्कि उसको समझना है कि वो सहज स्मृति से चल रहा है। दो बातें तो जो ये बता रही तो एक दो और बताई कैसे आपको लिख दीजिए कॉपी में।